नमस्ते, माधमिक न्यूज रे में आपका स्वागत है। मित्रों, इस YouTube वीडियो में हम BHDC 131 2020 का असेसमेंट जो है उसे पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो आप इसे सुन सकते हैं, अगर मेरी आवाज़ से आपको आपत्ति ना हो तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास 2020 असेसमेंट BHDC 131। BHDC 131 BA कार्यक्रम BAG सत्रीय कार्य जुलाई 2019 और जनवरी 2020 सत्रों के लिए। पाठ्यक्रम कोड BHDC 131 हिंदी में कोर कोर्स हिंदी साहित्य का इतिहास। मानविकी विद्यापीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अभिमुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी नई दिल्ली 110068। हिंदी में आधार पाठ्यक्रम सत्रीय कार्य पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले बता दूं, इग्नू जन जन का विश्वविद्यालय। सत्रीय कार्य पाठ्यक्रम कोड BHDC 131 बाय 2019 से 2020। आपको हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित पाठ्यक्रम BHDC 131 का केवल एक सत्रीय कार्य करना है। इस सत्रीय कार्य के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। यह सत्रीय कार्य इस पाठ्यक्रम के सभी खंडों खंड 1 से खंड 4 पर आधारित है। मैं आपको खंड 1 से 4 खंड 4 दिखा दे रहा हूं। यह रहा BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास। खंड 1 हिंदी साहित्य का आरंभ और विकास। खंड 2 भक्ति काव्य धारा। खंड 3 रीति काव्य और आधुनिक साहित्य का प्रादुर्भाव। खंड 4 आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य। तो इन्हीं चारों पर आधारित है। उद्देश्य, इस सत्रीय कार्य का मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि आपने पाठ्य सामग्री को कितना समझा है और आप स्वयं उसे अपने शब्दों में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ हमारा तात्पर्य पाठ्यक्रम सामग्री की पुनर्प्रस्तुति से नहीं है, वरन अध्ययन के दौरान आपने जो कुछ सीखा और समझा है उसे आप आलोचनात्मक ढंग से प्रस्तुत कर सकें। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य हिंदी साहित्य के विकास के विभिन्न चरणों की जानकारी देना है। इस पाठ्यक्रम का अध्ययन कर आपने हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों की रचनात्मकता के स्वरूप, उसकी शिल्पगत विशिष्टताओं तथा इनमें होने वाले परिवर्तन के कारणों की जानकारी प्राप्त की है। सत्रीय कार्य से आप यह जान सकेंगे कि आपको हिंदी साहित्य के विकास को जानने समझने में कितनी दक्षता प्राप्त हुई है। प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें। निर्देश, सत्रीय कार्य आरंभ करने से पूर्व निम्नलिखित बातों को ध्यान से पढ़िए। पहला, ऐच्छिक पाठ्यक्रमों के लिए कार्यक्रम दर्शिका में दिए गए विस्तृत निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। दूसरा, अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पहले पृष्ठ के दाएं सिरे पर अनुक्रमांक, नाम, पूरा पता और दिनांक लिखिए। तीसरा, बाईं ओर पाठ्यक्रम का शीर्षक, सत्रीय कार्य संख्या और अपने अध्ययन केंद्र का उल्लेख करें जैसे आगे दिखाया गया है। तो मित्रों, यहाँ पर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पहले पृष्ठ के दाएं सिरे पर अनुक्रमांक, नाम, पूरा पता और दिनांक लिखिए। ये आपका दाएं तरफ है, अनुक्रमांक, नाम, पता, अनुक्रमांक, नाम, पूरा पता, दिनांक।
दिनांक यहाँ है तो दिनांक आप यहाँ कर दीजिएगा, दिनांक हो गया। बाई ओर, ये बाई ओर है, पाठ्यक्रम का शीर्षक, पाठ्यक्रम का नाम कोड शीर्षक, सत्रीय कार्य संख्या, सत्रीय कार्य कोड, अपने अध्ययन केंद्र का उल्लेख, अध्ययन केंद्र का नाम कोड। ये पूरा हुआ। अब आगे सत्रीय कार्य के लिए आवश्यक निर्देश। पहला, सत्रीय कार्य पाठ्यक्रम के सभी चार खंडों पर आधारित है। इनमें तीन भागों के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं जिनका उद्देश्य हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों के अध्ययन के संदर्भ में आपकी लेखन क्षमता की जांच करना है। दूसरा, इस सत्रीय कार्य में कुछ प्रश्न निबंधनात्मक तथा कुछ प्रश्न टिप्पणियों के रूप में हैं, जिनके उत्तर पठित इकाइयों के आधार पर आपको निर्धारित शब्दों में देने हैं। उत्तर लिखते हुए भाषागत शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। तीसरा, सत्रीय कार्य पूरा करके इसे जांच के लिए अपने अध्ययन केंद्र के संयोजक कोऑर्डिनेटर के पास जुलाई 2019 में नामांकित विद्यार्थी 30 अप्रैल 2020 तक एवं जनवरी 2020 में नामांकित विद्यार्थी 31 अक्टूबर 2020 तक अवश्य जमा करा दें। अगला, उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विधि से तैयारी करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। पहला अध्ययन, सबसे पहले सत्रीय कार्य को ध्यान से पढ़िए, फिर इससे संबंधित इकाइयों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। अंत में प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कुछ खास बातें नोट कर लीजिए और उन्हें तार्किक ढंग से पुनर्व्यवस्थित कीजिए। दूसरा अभ्यास, उत्तर का प्रारूप तैयार करने से पूर्व नोट की गई बातों पर विचार कीजिए, अनावश्यक बातों को हटा दीजिए और प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से विचार कीजिए। व्याकरण संबंधी प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले आपने उत्तर पर अच्छी तरह से विचार कर लीजिए। अगर आप बिना समझे पुस्तक या अन्य किसी स्रोत की सहायता से उत्तर देंगे तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा और सत्रांत परीक्षा में आप ऐसे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। निम्नात्मक प्रश्न में आरंभ और उपसंहार पर विशेष ध्यान दीजिए। उत्तर के आरंभिक अंश में प्रश्न की संक्षिप्त व्याख्या और अपने उत्तर की दिशा का संकेत अवश्य दे देना चाहिए। मध्य भाग में आप उत्तर का मुख्य भाग आवश्यक विस्तार के साथ क्रमबद्ध और तार्किक ढंग से प्रस्तुत करें। उपसंहार में उत्तर का सार देना चाहिए। यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप पहला का आपका उत्तर तार्किक और सुसंगत हो, वाक्य और अनुच्छेदों अर्थात पैराग्राफ्स के बीच स्पष्ट क्रमबद्धता हो, ग उत्तर सही ढंग से लिखा गया हो तथा आपकी अभिव्यक्ति शैली और प्रस्तुति के पूर्णतया अनुकूल हो, ख घ उत्तर प्रश्न में निर्धारित शब्दों से अधिक लंबा न हो, और पांचवा अंग आपके लेखन में भाषागत त्रुटियां न हो, विशेष रूप से मात्रा और व्याकरण संबंधी गलतियों से बचें। तीसरा प्रस्तुति, जब आप अपने उत्तर से पूर्णतया संतुष्ट हो जाएं तो उसे साफ और सुंदर अक्षरों में उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए तथा जिन बातों पर आप जोर देना चाहते हैं उन्हें रेखांकित कर दीजिए। शुभकामनाओं सहित
नोट, याद रखें कि परीक्षा में बैठने से पूर्व सत्रीय कार्य जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सत्र कार्य खंड 1 से 4 पर आधारित पाठ्यक्रम कोड BHDC 131, सत्र कार्य कोड BHDC 131, TMA 2019-20, कुल अंक 100। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 10 अंक के प्रश्नों का उत्तर लगभग 800 शब्दों में तथा 5 अंक के प्रश्नों का उत्तर लगभग 400 शब्दों में दीजिए। भाग 1 खंड 1 पर आधारित पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के कालों के नामकरण संबंधी विभिन्न मतों की चर्चा कीजिए। 10 मार्क, 800 शब्द में लिखना है इसको। दूसरा है, निम्नलिखित विषय पर टिप्पणी लिखिए। 5 × 10, 5 मार्क्स का है, तो आपको ये 400 शब्द में लिखना है। रासो काव्य, ख है भक्ति आंदोलन का उदय। तो भाग 1 खंड 1 पर आधारित प्रश्न। अगला मित्र, भाग 2 खंड 2 तथा खंड 3 पर आधारित 3 नंबर प्रश्न है, प्रमुख निर्गुण संत कवियों की काव्यगत विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। 10 मार्क्स का। नंबर 4, रीति काव्य के अर्थ और स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इसके उदय से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। नंबर 5, भारतेंदु युग में रचित हिंदी साहित्य का परिचय दीजिए। नंबर 6, निम्नलिखित विषय पर टिप्पणी लिखिए। क, कृष्ण भक्ति काव्य में भक्ति का स्वरूप। ख, राम काव्य परंपरा। ग, द्विवेदी युगीन गद्य साहित्यकार। भाग 3 खंड 4 पर आधारित 7 नंबर 7, हिंदी उपन्यास की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। 8, हिंदी नाटक के विविध रूपों का परिचय दीजिए। 9, निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखिए। क, शुक्ल पूर्व युग के प्रमुख निबंधकार। ख, आधुनिक कहानी का उदय। ग, समकालीन कहानी। पूरा हुआ, धन्यवाद।